गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। आप लोग कुछ बच्चे होमवर्क कर भी रहे हैं, मुझे चेक भी करा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की जिनसे उम्मीद है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। लॉकडाउन में अपने आप को लॉकडाउन तो रखें, लेकिन आप अपने एक्टिविटी को लॉकडाउन ना रखें, अपने दिमाग को लॉकडाउन ना कर लें। चलिए आते हैं आज की क्लास में, और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन फिगर 6.15, फिगर 6.15, एंगल PQR, यानी दिस एंगल इक्वल्स एंगल PRQ, यानी दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इस क्वेश्चन में दिया गया है। देन प्रूव दैट, तो साबित करना है हमें एंगल PQS, एंगल PQS यानी दिस एंगल इक्वल्स एंगल PRT, दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल साबित करना है। क्लियर? चलिए आ जाते हैं और देखते हैं QP, सॉल्यूशन में लिखते हैं QP स्टैंड्स ऑन लाइन ST। यदि QP ST नाम के लाइन पर खड़ी है तो यहां एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PQS, एंगल PQS इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों भाई? लीनियर पेयर के एक्सियम से, यानी आपका एक्सियम 6.1 से। इसे फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं, और यहां लिखना जरूरी है कि यह क्यों 180 डिग्री के बराबर है, इन दोनों एंगल्स का सम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं दूसरी तरफ, अब इधर लिखते हैं RP stands on line ST। RP भी ST नाम के लाइन पर खड़ी है, इसलिए यहां RP के द्वारा इस ST नाम के लाइन पर खड़े होने से जो दो एंगल्स बन रहे हैं, वो दोनों के दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर में होंगे। और यदि ये लीनियर पेयर्स में होंगे तो क्या इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होगा? लिख लेते हैं इसी बात को। तो ये बन जाएगा एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRT इक्वल्स 180 डिग्री। यहां भी लिखना जरूरी है, या क्यू 180 डिग्री के बराबर हो गया, कैसे पता चला आपको, वो लिख लीजिएगा। और इसका नाम, इसका इक्वेशन 2 कर देते हैं। ये कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 2। जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, क्या दोनों के RHS इक्वल है? यदि दोनों के RHS इक्वल है तो यूक्लिड साहब के द्वारा बताया गया कोई नियम, यदि कोई अलग अलग चीज किसी सेम चीज के इक्वल होती है तो वो सारी की सारी अलग अलग चीजें जो कि सेम चीज के इक्वल होती है आपस में भी इक्वल होंगी। यहाँ क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ दोनों जगह RHS इक्वल है तो निश्चित रूप से LHS भी इक्वल होना चाहिए। और उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल PQR प्लस एंगल PQS जो कि इक्वेशन 1 का LHS है वो इक्वल होगा इक्वेशन 2 के LHS के, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ठीक है, अब यहां आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि यह PQS एंगल या PQS एंगल PRT एंगल के बराबर है, तो किसी एक एंगल की जगह पर किसी दूसरे एंगल का नाम, यानी PQS की जगह पर या तो PRT को लिखा जा सकता है या PRT की जगह पर एंगल PQS को लिखा जा सकता है। हम यहां
बी आर टी की जगह पर एंगल पी क्यू एस को लिखने चल रहे हैं, यानी पी क्यू एस की जगह पर जो पी क्यू एस एंगल रहेगा ही रहेगा, लिखते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, ऐसा क्यों हो गया, यहां लिख दीजिए गिवन है, क्या गिवन है, गिवन एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी, क्लियर। अब यदि ऐसा है तो इस पी क्यू एस की साइड को यदि हम चेंज करें तो आरएचएस में जाकर जो कि यहां पर अभी एडिशन हो रहा है, आरएचएस में जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये उधर जाकर इस पी क्यू एस के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि यहां हमारे पास में फाइनली क्या बच रहा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, बड़ी आसान है, लेकिन कब, जब आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें पीछे की सारी एक्जियम्स को, डिफिनिशंस को, थ्योरम को, पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखें और साथ ही साथ उनका यूज करते रहें तो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.16 इफ एक्स प्लस वाई यानी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, एक्स प्लस वाई मतलब एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू यानी एंगल बी ओ डी और जेड यानी एंगल ए ओ डी, इन दोनों का सम इक्वल है, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स में वाई को जोड़ने पर उतना ही आ रहा है जितना कि डब्ल्यू में जेड को जोड़ने पर आ रहा है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, तो यह साबित करें कि AOB एक लाइन है। शायद आपको ध्यान में होगा जब हम लोग एक्जियम 6.2 पढ़ रहे थे उस समय मैंने कहा भी था कि इस थ्योरम का यूज हम लोग आगे कई बार कई जगह करेंगे, जहां कहीं भी किसी को, किसी रे को, दो अपोजिट रे को यदि लाइन प्रूव करना हो तो इस 6.2 का अभी यूज करेंगे, ओके। इस बात पर यहाँ पर एकदम रहे ध्यान से और देखते रहे। आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ भी लिया होगा कि किसी एक प्लेन पर, किसी भी एक पॉइंट पर आप चाहे जितने भी एंगल बनाए उन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ इस ओ पॉइंट पर चार एंगल्स बन रहे हैं, एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड, तो क्या इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। यदि ऐसा है तो सॉल्यूशन देखिए, अब तो सॉल्व भी हो गया, लिखेंगे हियर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स 360 डिग्री। क्यों हो गया ऐसा 360 डिग्री, हर बात में क्यों, इसको लिखना जरूरी होगा। आपको यहां पर लिखना होगा किसी एक पॉइंट पर सब बने हुए सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ओके। और तब यहां देखें क्वेश्चन के हिसाब से हमें कहा जा रहा है कि यह x प्लस वाई इस w प्लस जेड के बराबर है, तो क्या हम इस x प्लस वाई को और या इस W प्लस जेड में से किसी एक को किसी दूसरे के बदले में लिख सकते हैं। हम यहाँ W प्लस जेड को चाहते हैं X प्लस वाई के रूप में लिखते हैं, लिखा जा सकता है। यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो इसी लाइन को हम लोग ऐसे लिखेंगे X प्लस वाई प्लस अगेन X प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये गिवन है, क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। यदि ऐसा है तो क्या यह 2x प्लस 2y इक्वल्स 360 डिग्री होगा,
होगा। और यदि ऐसा है तो क्या इस LHS में से 2 कॉमन आया लिया जा सकता है? 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा, 2x में से 2 कॉमन हो गया तो x बचा, यहां एडिशन 2y में से 2 कॉमन चला गया तो y बच गया, इक्वल्स 360 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे इस 2 के साइड को चेंज करा दें, LHS में है RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, LHS में मल्टीप्लाई में है x प्लस वाई के साथ तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या इसको ऐसे कहें कि यहां पर बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर देना है। यदि ऐसा भी करते हैं तो इधर 2 से डिवाइड करने पे ये 2 डिवाइड होके 1 हो जाएगा और इधर 360 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इट मींस इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x plus y equal 180 डिग्री। और यह x plus y तो w plus z के बराबर है तो क्या w plus z भी इतना ही होगा? और ये जैसे ही आपको मिल रहा है तो आप यहां खुद देखें क्या यह एक्सियम 6.2 से, यहां देखिएगा यदि ओसी के द्वारा बनाए गए दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म है क्या ये दोनों नॉन कॉमन आर्म मिलकर एक लाइन का निर्माण करते हैं? और यदि ऐसा है तो AOB क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में आपका इस एक्सरसाइज का कंक्लूजन हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।